हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे यहाँ पर टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेज इंडिया के। ये कॉलेज ना सिर्फ अपने प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यहाँ पर अच्छी फैकल्टी और यहाँ पर अच्छा वर्क स्पेस इन्वायरमेंट के लिए भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेज के और यहाँ पर उनका फीस स्ट्रक्चर और कौन कौन से ये कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप नए हैं चैनल में तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कॉलेज है यहाँ पर, वो है यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे यहाँ पर पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। 1905 में ये यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया था न्यू दिल्ली में, और ये कोर्स BSc KV और यहाँ पर PG KV कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो MSc एग्रीकल्चर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर 37,475 पर 2 ईयर का यहाँ पर ये कोर्स प्रोवाइड करवाता है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है यहाँ पर आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर हैदराबाद में है। ये यहाँ पर 12 जून 1964 को यहाँ पर बन के तैयार हो गया था। तो पहले इसका नाम था आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर इसका नाम चेंज करके यहाँ पर आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर रखा गया। ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9,000 से 11,000 ईच सेम यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर की इसकी फीस है। आगे बात करेंगे हम, जो तीसरे नंबर पे जो नाम आता है वो है यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। ये यहाँ पर हिसार में है। ये यहाँ पर 1970 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। ये यहाँ पर 4 इंडिपेंडेंट यहाँ पर इसके कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ होम साइंस और यहाँ पर कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। यहाँ पर ये कॉलेज यहाँ पर बहुत ही अच्छे यहाँ पर लेक्चर रूम है, इसके लेबोरेटरीज है, सेमिनार है और बहुत ही अच्छे यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर जाना जाता है। ये यहाँ पर UG, PG और PhD के प्रोग्राम यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाता है। फीस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर है 30,000 यहाँ पर फीस है इसकी एग्रीकल्चर की। आगे बात करेंगे यहाँ पर 4th नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो ये यह है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस यानी कि बेंगलोर की। ये यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई थी यहाँ पर 1963 की, और यहाँ पर ये वन ऑफ द यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है कंट्री की। ये प्रोवाइड करती है यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और यहाँ पर नॉन डिग्री कोर्स भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 52,000 से यहाँ पर ये एवरेज फीस का स्ट्रक्चर रहता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर 5th नंबर पे जो आता है नंबर, वो है यहाँ पर हम सभी की फेवरेट यहाँ पर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। इसके यहाँ पर कोर्सेज और यहाँ पर जो रिसर्च के जो चर्चे हैं वो यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है यहाँ पर कोयम्बटूर। तो ये पहले यहाँ पर साइड अप तमिलनाडु में थी, फिर यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ पर मूव कर दी गई 1868 में यहाँ पर कोयम्बटूर में। ये प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटी 13 UG प्रोग्राम, 40 ग्रेजुएट प्रोग्राम और यहाँ पर 26 डॉक्टरेट प्रोग्राम 14 कॉलेजेस में। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 36,000 पर एनम की इसकी फीस रहेगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर 6 नंबर पे जो नाम आता है वो आता है यहाँ पर GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड की। ये उत्तराखंड में यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो गई थी 1960 में। प्रोफेसरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही वेल इक्विप्ड यहाँ पर प्रोफेसर हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है उनकी और यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाते हैं अंडर ग्रेजुएट और यहाँ पर PG प्रोग्राम बहुत ही वेरियस डिसिप्लिन में, जैसे कि एग्रीकल्चर, बेसिक साइंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वेटनरी साइंस, फिशरीज और यहाँ पर होम साइंस। ABM की अगर हम बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसके लिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए आप CMAT के द्वारा यहाँ पर जा सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर 58,000 एवरेज है यहाँ पर एनम में। आगे बात करेंगे 7th नंबर पे जो आता है वो है यहाँ पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की। ये यहाँ पर जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर 1962 में यहाँ पर तैयार हो गई थी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर कंट्री की यहाँ पर तीसरी यहाँ पर ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है। ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर UG एज वेल एज यहाँ पर PG कोर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर की यहाँ पर जो फीस है एवरेज वो है 1.68 लाख पर यहाँ पर 4 साल की।
आगे बात करेंगे यहाँ पर 8th नंबर पे जो आता है यहाँ पर, वो है यहाँ पर स्क्वाश जम्मू की, यानी कि शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू, जिसे हम स्क्वाश भी कहते हैं। ये यहाँ पर तैयार हो गया था यहाँ पर सितंबर 1999 में। ये यहाँ पर प्रोवाइड करता है यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD और यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह है ये 40,000 पर ईयर के यहाँ पर एग्रीकल्चर की। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो 9 नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो है यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ये यहाँ पर मुंबई में बेस्ड है। ये यहाँ पर फाउंड हो गई थी 1961 और यहाँ पर ये लीडिंग यहाँ पर नेशनल फिशरीज यूनिवर्सिटी है इंडिया की। ये प्रोवाइड, हालांकि ये यहाँ पर BSc कोर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं और MSc में यहाँ पर एक्वाकल्चर और फिशरीज की यहाँ पर ब्रांचेस बहुत सारी हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1.50 लाख यहाँ पर 2 ईयर की यहाँ पर MSc एक्वाकल्चर की फीस है। आगे बात करेंगे यहाँ पर 10th नंबर पे जो आती है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में, जो कि यहाँ पर UP में है। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पर 50,000 पर ईयर की। ये भी यहाँ पर UG, PG और यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज ये थी यहाँ पर की वीडियो टॉप 10 एग्रीकल्चर कॉलेज। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। तो यहाँ पर अपने जो साथ वालों के साथ यहाँ पर इसे शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।